अरबिक नंबर और इसको गाया है स्मिता अधिकारी ने एंड वो इंडियन आइडल में भी थी टॉप 10 में. शी इज़ अ गुड सिंगर. आपको कहीं कहीं पे ऐसा रियलाइज़ होगा कि वो आशा भोसले जी और लता मंगेशकर का कॉम्बिनेशन है. हम लोगों ने जब पहली बार उनकी आवाज़ सुनी, पहले तो हम लोग उनसे स्क्रैच गवा रहे थे, बट व्हेन वी हर्ड ना, इट वाज लाइक वाओ. कानों के लिए कहते हैं एक ट्रीट जैसा, वैसे उनकी आवाज़ है. मेरी कोरियोग्राफर खुशबू पटेल ने बहुत अच्छा काम किया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, इसलिए गाना बहुत अच्छा बना है. हमारे डायरेक्टर सर हृदय शंकर मिश्रा हैं. इसके पहले वो इंडस्ट्री में 25-30 सालों से काम कर रहे हैं और उनका आप कोई भी काम उठा के देख लो, यू विल बी लाइक यार कहाँ छुपे थे ये. तो ये कोहिनूर का हीरा मैं ढूंढ के लेकर आई हूँ, तो क्रेडिट गोज़ टू मी. उन्होंने बहुत अच्छे से गाना शूट किया, एक एक फ्रेम पर काम किया है. कॉस्ट्यूम्स हम लोगों ने प्रॉपर डिज़ाइन करवाई. आप अगर मेरे के कॉस्ट्यूम देखेंगे तो आपको लगेगा यार एक एक चीज़ पर बारीकी से काम किया गया है. सारे डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम्स हैं और सारे हम लोगों ने फ्रेश बनवाए हैं. जो हमारे प्रोड्यूसर सर हैं सलीम शाह, जो विक्ट्री मूवीज़ के ओनर हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार यहाँ पे पैसे कटने चाहिए, यहाँ पे बचा लो. उनके हाथ हमेशा खुले रहते हैं एंड उनका कहना है यार जहाँ जो करना है करो, बट प्रोजेक्ट कुछ कमाल का बना के ला के दो. सो मेरे प्रोड्यूसर सलीम शाह, माई डायरेक्टर हृदय शंकर मिश्रा एंड माई कोरियोग्राफर खुशबू पटेल, सब ने मेहनत की है इसलिए सॉन्ग बहुत अच्छा बन के आया है. ये हम लोगों ने रिलीज़ किया HSR एंटरटेनमेंट से. होता क्या है कि जी में इस साल मेरे कुछ 22 गाने रिलीज़ हुए थे. सो मैं चाह रही हूँ कि मैं इंडिया के हर कोने तक पहुँचूँ. मेरे डायरेक्टर साहब भी चाहते थे कि ये पहले कभी नॉर्थ में हो, साउथ में हो, क्योंकि इंडिया में अनेकों, मतलब अनेकता में एकता कही जाती है. हमारा जो कंट्री है वो निरपेक्ष कंट्री है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हर थोड़ी देर में लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो जाती है. सो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों का सॉन्ग पंजाब बेल्ट को टच करे, फिर जो सेकंड सॉन्ग है वो हम लोग किसी और बेल्ट के लिए बनाएंगे, क्योंकि हमको पूरी इंडिया टच करनी है. सो हम लोगों ने जो रिलीज़ किया है उसका चैनल का नाम है HSR एंटरटेनमेंट और ये चैनल बिलोंग करता है पंजाब. हाँ, दिल कर रहा है ये भी सेम सिंगर ने गाया है, स्मिता अधिकारी ने. हमारी सेम यूनिट है, हमारे डायरेक्टर सॉन्ग, प्रोड्यूसर सॉन्ग, कोरियोग्राफर सब एक साथ हैं. और ये सॉन्ग प्रॉपर रोमांटिक नंबर होता है ना, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही है, सज रही है, सवर रही है, उसके इंतज़ार में खोई हुई है. सो दिस इज़ अ पैकेज, इट हैज़ अ प्रॉपर स्टोरी लाइन कि कैसे कैसे ग्रेजुअली उसकी जो कहते हैं ना उत्पीड़न, उसका जो दर्द है वो बढ़ रहा है. सो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर कि ये गाना आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार गहना ने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे आई हेट टिकटॉक पीपल, ऑनेस्टली मैं पब्लिक मीडियम में, मैं गूगल पे, मैं चैनल पे, मैं कहीं भी बोल सकती हूँ, आई हेट टिकटॉक टिकटॉकर्स. द रीज़न बिहाइंड दिस, लोग थिएटर करते हैं, NSD जाते हैं, FTI जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें एक काम मिलता है. अभी प्रॉब्लम क्या होगी, प्रोड्यूसर क्या कहता है, आपके पास टिकटॉक में कितने फॉलोवर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोवर्स हैं, आपके फ़ैन पेज पे कितने फॉलोवर्स हैं. अगर मुझे यही करना है तो मैं लाख लाख रुपए खर्च करूँ, टिकटॉक पे फॉलोवर्स परचेस कर लूँ, इंस्टाग्राम में परचेस कर लूँ, फेसबुक पे खरीद लूँ, मुझे टैलेंट की क्या ज़रूरत है. उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसर ने कास्ट तो कर लिया, एक्टिंग तो उनको घंटा नहीं आती, डायलॉग तो बोल नहीं पाते हैं, एक नंबर के गधे होते हैं. उसमें जो बाकी यूनिट होती है वो सफ़र कर रही होती है. डायरेक्टर अपना दीवार में सर पीट रहा होता है क्योंकि कुछ तो निकलता नहीं है. आप लिपसिंग करके एक्टर नहीं बन सकते हो, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी अंदर से. और टिकटॉकर्स, एंड मैं बता रही हूँ एक छोटा सा एक्सपीरियंस, मेरी रिसेंट एक फ़िल्म थी अंधेरी वेस्ट, उसमें एक एक्टर को मैंने काम दिया था. मतलब काम दिया था मतलब मेरे डायरेक्टर ने पूछा कि कोई है जानने वाला, मैंने उसे काम दिया. उस समय उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बट जब उसे टिकटॉक ज्वाइन किया, एक्टिंग सब कुछ भूल गया. मतलब आप आए थे घोड़े बनने, गधे बन के जा रहे हो, क्या है ये. आई हेट टिकटॉकर्स, आई हेट देम. नहीं, मुझे सिर्फ टिकटॉकर से प्रॉब्लम है. आई एम हैप्पी विद इंस्टाग्राम, आई एम हैप्पी विद फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ना लोगों को कनेक्ट करता है. इंस्टाग्राम में अभी आप अपनी प्रोफाइल बता सकते हो कि यार ये मैंने काम किया. टिकटॉकर में क्या किया, टिकटॉक में क्या किया आपने. आप आए ऐसे गिरे, चार लड़के आके संभाल लेते हैं. आप घर पे बैठ के नौटंकी कर रहे होते हो, आप जंगल में बैठ के नौटंकी कर रहे होते हो. नौटंकी ही करनी है तो कहीं अच्छी जगह करो ना, माँ बाप के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि सोशल मार्केटिंग में जो भी मोबाइल ऐप्स आए हैं वो अच्छे से लेकर लोग आए हैं.
एग्जैक्टली अच्छे सेलिब्रिटीज़ को इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अच्छे सेलिब्रिटी जो हैं वो उनको शोज़ नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो वर्थ है उनको उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती है, और ये जो टिकटॉक वाले उन्हें कोई भी अमाउंट दो पहुंच जाते हैं। पूरा मार्केट ख़राब कर दिया है इन लोगों ने। 2020 में मैं ना 12 महीनों में कम से कम 36 प्रोजेक्ट्स रिलीज़ करने वाले हूँ। मैं ना ऐसे बैठी हुई हूँ, अभी मैंने परसों एक फिल्म कंप्लीट की है, हम लोग का ये गाना है, ये जनवरी में रिलीज़ हो जाएगा। मेरे जनवरी में 5 प्रोजेक्ट रिलीज़ पर हैं और मैं इस साल एनी हाउ 36 तो रिलीज़ लेके जाने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो इमेजिन ही नहीं करती अपने आपको पूरे कपड़ों में। अच्छा हाय दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ, मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं कहूँगी आपका आने वाला कल ना सिर्फ 2020, 2021, 2022 इनफिनाइट टाइम तक आप हमेशा खुश रहें, आपके हर सपने पूरे हों। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, सब कुछ करिए लेकिन माँ बाप को लेकर चलिए, वो हैं तो आप हैं और फिर सब कुछ है। थैंक यू।